And welcome back to Commerce Logs. So in this video I am going to tell you I am going to start the new chapter, the chapter first of Indian economy development on the eve of independence. तो ये बुक होती है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, और जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई हैव अ रिक्वेस्ट टू यू टू चेक द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब द चैनल. ओके, एंड ये पूरे चैप्टर की वीडियो पार्ट वाइज में होगी, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो द फर्स्ट चैप्टर वो है ओरिजिन ऑफ द ब्रिटिश रूल, यानी कि ब्रिटिश रूल की स्टार्टिंग. ओके, द ब्रिटिश लैंडेड इन इंडिया इन सूरत ऑन August 24, 1608. तो यानी कि 17th century में ब्रिटिश जो है वो इंडिया में लैंड किए थे सूरत में, August 24, 1608 में. ओके, After 7 years, British got a royal order to establish a factory at Surat under the leadership of Sir Thomas Roy. तो जो 7 साल के बाद यानी कि 1608 के बाद 7 साल बाद जो है ऑर्डर आया था, यानी कि 1615 में ये ऑर्डर आया था कि सूरत में एक फैक्ट्री establish करने के लिए जो लीडर सर थॉमस रॉय की लीडरशिप के अंडर ये ऑर्डर आया था ब्रिटिश को कि सूरत में establish करने के लिए फैक्ट्री. फॉलोइंग दिस ईस्ट इंडिया कंपनी ऑल्सो गॉट सिमिलर परमिशन फ्रॉम द विजयनगरा एम्पायर टू सेट अप देयर सेकेंड फैक्ट्री एट मुसिलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश एंड सो ऑन. तो फिर उसके बाद फर्स्ट ये था, फिर उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को भी ऑर्डर मिला था इस्टेब्लिश करने के लिए इंडिया में फैक्ट्री. ओके, बैटल ऑफ प्लाजी फाउट इन 1757 ऑल्सो गिव राइज टू ब्रिटिश रूल. तो बैटल ऑफ प्लाजी हुई थी 1757 में, और ये ब्रिटिश रूल जो हमारे इंडिया में आने वाले थे ये उसको एक एज अ न्यू बिगनिंग समझ लीजिए, ब्रिटिश रूल की थी ये भी. द बैटल वॉज बिटवीन सिराज उद दौला द लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. तो ये जो है मतलब कि ये इन लोग के बीच में एक फाइट हुई थी. ओके, ब्रिटिशर्स वन दिस एंड दे एस्टैब्लिश. तो ये जो फाइट हुई थी नवाब ऑफ बंगाल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, उसको जो है ब्रिटिश ने जीत लिया था. फिर उसके बाद जब ब्रिटिश ने ये वाला रूल जीत लिया था तो फिर वो जो है फैक्ट्री को एस्टैब्लिश कर लिए थे. तो फिर जो ब्रिटिशर्स थे वो अपना रूल को जो है बंगाल में एस्टैब्लिश कर लिए थे. ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज बेसिक पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल. जो ब्रिटिश रूल थे उसके बेसिक पर्पस क्या थे. यूज इंडियन इकनॉमी एज अ फीडर इकनॉमी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश इकनॉमी. तो जो इंडियन इकनॉमी होती है, जो इंडियन की आर्थिक जो होती है, मतलब कि जो इंडियन की जो इंडियन रुपीस होती है उसको फीडर इकनॉमी बनाने के लिए, यानी कि जो ब्रिटिश होंगे वो इंडिया का पैसा लेंगे, इंडिया के पैसे कंज्यूम करेंगे और ब्रिटिश की इकनॉमी को बढ़ाने के लिए. ठीक है, दे एक्सप्लॉयटेड इंडियंस नेचर एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर द ग्लोरी ऑफ देयर ओन कंट्री. तो इन्होंने इंडिया की नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज को जो है बुरी तरीके से तहस नहस बर्बाद कर दिया था अपनी, यानी कि ब्रिटिश की इंडियन को, ब्रिटिश की कंट्री को, अपनी ओन कंट्री को डेवलप करने के लिए. ओके, सो दो जो नेक्स्ट टॉपिक है लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. यानी कि लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि सिर्फ इंडिया की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी वो बहुत लो थी
ब्रिटिश के रूल में. ओके, बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इंडियन इकोनॉमी वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग फीचर्स. तो जो मतलब कि ब्रिटिश रूल के पहले जो इंडियन इकोनॉमी ऐसे ऐसे थी. सो द फर्स्ट इज प्रॉस्पेरस इकोनॉमी. ठीक है, इसका मतलब है इंडिया वॉज एन इंडिपेंडेंट सेल्फ रिलायंट एंड प्रॉस्पेरस कंट्री. ये जो इंडिया थी वो खुद पे वो इंडिपेंडेंट थी इंडिया. ठीक है, वो किसी और मतलब कि परमिशन की किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती थी. सेल्फ रिलायंट थी, यानी कि वो खुद ही चीज़ों को डेवलप करती थी. ठीक है, और आर्गेनियन इकोनॉमी यानी कि एग्रीकल्चर वाला था. तो एग्रीकल्चर वॉज द मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल एंड इट इंगेज्ड अबाउट टू थर्ड ऑफ द टोटल पॉपुलेशन. यानी कि जो इंडिया थी वो मोस्ट ऑफ द पीपल पहले बिफोर दी ब्रिटिश रूल वो सिर्फ और सिर्फ जो है लोग जो है सिर्फ खेती वेती ही करते थे. ठीक है, टू थर्ड पीपल जो है वो बस खेती करते थे. और एक अच्छा एक उनका जो अच्छे से जीवन गुजारना था वो खेती से ही गुजरती थी. ओके, सो जो नेक्स्ट है वो है वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री. जो इंडिया थी वो वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री मानी जाती थी, यानी कि हाथ से जो क्राफ्ट्स कढ़ाई सिलाई बुनाई होती थी उसके लिए भी एक ये बहुत अच्छी इंडस्ट्री इंडिया थी, इंडिया के पास थी. ठीक है, इंडिया वॉज ऑल्सो नोन एज फॉर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज इन द फील्ड ऑफ कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स मेटल एंड प्रीशियस स्टोन वर्क्स. हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स इंजॉयड अ वर्ल्ड वाइड मार्केट ड्यू टू इट्स रेपुटेशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज एंड हाई स्टैंडर्ड फॉर क्राफ्टमैनशिप. यानी कि इंडिया जो है वो और अच्छी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के में इंगेज थी, मानी जाती थी. और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की मानी जाती थी मतलब कि कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स में मेटल और प्रीशियस स्टोन के जो वर्क होते हैं उस पे उससे ये जो है एक अच्छी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री मानी जाती थी. और जो इन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट थे इंडिया के वो पूरे वर्ल्ड वाइड यानी कि पूरे पूरे वर्ल्ड में जाते थे. और इससे इसकी रेपुटेशन और क्वालिटी इसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी थी क्योंकि हाथ से बने होते थे तो क्वालिटी बहुत अच्छी होती थी. तो इसीलिए जो है इंडिया जो है हैंडीक्राफ्ट के मामले में बहुत अच्छी थी, एग्रीकल्चर में थी और प्रॉस्पेरस थी. प्रॉस्पेरस इन द सेंस कि वो सेल्फ रिलायंट थी, वो खुद से ही करती थी, वो ज़्यादा इंपोर्ट कहीं से नहीं करती थी. और फिर टू थर्ड ऑफ द पीपल जो है एग्रीकल्चर पे रहते थे, वो लोग खेती बाड़ी करके खुद ही काम करते थे और जो है खुद ही खाते थे. और थर्ड थी वो हैंड जो वर्क करना रहता था तो हैंडीक्राफ्ट करती थी. तो फिर जब वो एक्सपोर्ट करती थी तो फिर इंडिया के पास बहुत अच्छे अच्छे करेंसी आते थे जिससे इंडिया की इकनॉमी डेवलप होती थी. ओके, हाउ एवर हाउ एवर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल द इकनॉमी पॉलिसीज परज्यूम्ड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट, जिसको हम ब्रिटिश गवर्नमेंट कहते हैं, इन द इंडियन वॉर इन इंडिया वन कंसर्न मोर विद द प्रोटेक्शन प्रमोशन ऑफ देयर ओन इकनॉमी इंटरेस्टेड देन विद द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन इकनॉमी. दे ट्रांसफर द इकनॉमी इन टू अ सप्लायर ऑफ अ रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमर ऑफ द फिनिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट फॉर फ्रॉम ब्रिटेन. तो फिर जब ब्रिटिश रूल आया तो जो ब्रिटिश थे वो एक ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसीज लाए पूरी उसकी रूल को इंडिया के चेंज कर दिए थे. और फिर उन्होंने क्या किया, इंडिया को सप्लायर ऑफ द रॉ मटेरियल यानी कि जो है इंडिया के पास बहुत से रॉ मटेरियल हुआ करते थे. तो उन्होंने इंडिया को सप्लायर ऑफ द रॉ मटेरियल कर दिया, यानी कि अपने रॉ मटेरियल को बाहर बाहर जो है भेजने का सप्लायर कर दिया, यानी कि सेल करवा देते वो बाहर की हो इंडियन रॉ मटेरियल को. ओके, और उन्होंने इंडिया को कंज्यूमर बना दिया एज अ फिनिश गुड के लिए, मतलब कि जो फिनिश प्रोडक्ट थे उसके इंडिया को कंज्यूमर बना दिया. यानी कि इजी में हम लोग ऐसे देखेंगे कि इंडिया के पास अच्छे रिसोर्सेज भी थे और वो फिनिश गुड खुद ही अपने आप से बनाते थे जिसकी जो है पूरे दुनिया में
बहुत ही ज़्यादा मांग होती थी, ठीक है। लेकिन ब्रिटिश ने क्या कर दिया, उन्होंने जो ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब कि जो मतलब कि नेचुरल रिसोर्सेज थी उसको अपनी कंट्री में बेच दिया, ठीक है। अपनी कंट्री में बेचा तो उनको फ्री के जो है रिसोर्सेज भी मिल गए, और जिससे वो और भी चीज़ें बनाते थे, और वो इंडिया को में ये काम हम जो है बंद करवा दिए थे हैंडीक्राफ्ट वाला। फिर वो खुद से मशीनों से बनाते थे और कंज्यूमर, और फिर इंडिया में बेचते थे, और फिर इससे इंडिया जो है कंज्यूमर बन जाती थी, और फिर वो बहुत हाई रेट में जो है सेल करते थे इंडिया पे। तो उससे उनकी खुद की ही इकनॉमी की जो है इकनॉमी बढ़ी थी, क्योंकि गुड्स फ्री रॉ मटेरियल फ्री में लेके जाते थे वो, और फिर फ्री में लेके गए, और फिर वो आके जब इंपोर्ट किए वो डबल वैल्यू मतलब डबल वैल्यू लेते थे। तो इससे जो है उन्हीं को फ़ायदा हुआ, और इंडिया और भी गरीब हो गई, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन पूरी तरीके से ख़राब हो गई। गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड थैंक यू, रियली थैंक यू, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल बेल आइकन, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन कमेंट डाउन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू, ओके, सो थैंक यू, बाय।